नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जेट केयर सॉल्यूशंस में। दोस्तों मैं राजकुमार शर्मा आज आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं एक कोर जो कि विलेट के 630 मॉडल यानी कि वीडियो जेट का जो विलेट मॉडल है 630 उसकी कोर है। और दोस्तों ये हमारे पास जो कोर है ये आई है महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रहा था पंप फॉल्ट का। तो मशीन क्या होता था कि जब हम मशीन स्टार्ट करते थे तो करीब 10 से 15 मिनट में पंप आरपीएम जो स्टार्ट होते हैं जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं 1275 1325 1350 से लेके और अगले 10 से 15 मिनट में दोस्तों ये पंप आरपीएम पहुंच जाते थे करीब करीब 1900-2000। तो फिर हमने क्या किया, क्योंकि दोस्तों कोर हमारे पास यहाँ लोकल में तो थी नहीं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से हमने हमारे पास चेक करने के लिए कि एक्चुअल में पंप की प्रॉब्लम है या कोर की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ से हमने अपने पास से एक मेन पंप भेजा पहले कस्टमर के पास में बाय कोरियर। कस्टमर को वहाँ हमने पंप भेजा और एक साथ में पंप कैसे चेंज करते हैं उस पंप का वीडियो भेजा। तो कस्टमर ने पहले वो पंप लगा के चेक करा और जो प्रॉब्लम कस्टमर को पहले आ रही थी मशीन में कि 10 मिनट बाद ही मशीन पंप आरपीएम 1800 से लेके 2000-1900-2100 तक पहुंच जाता है, तो फिर हमने डिसाइड करा कि अब इसमें कोर की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हमने उस कोर को फिर हमारे पास बाइक कोरियर मंगवाया उस कोर को, फिर हमने उस कोर को रिपेयर करने का डिसाइड किया। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको कोर दिखलाते हैं जो कि हमने हमारे पास एक 630 मशीन हमारे पास एक स्टॉक में रखी हुई थी पुरानी, उसमें लगाया, लगा के हमने चेक करा जो प्रॉब्लम क्लाइंट के यहाँ पे आ रही थी हमें जो बताया गया सेम प्रॉब्लम हमने यहाँ पे फेस किया, वही 10 से 15 मिनट दोस्तों आरपीएम बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको मशीन पे लेके चलता हूँ हमारे सर्विस एरिया सेंटर पे। तो दोस्तों ये वो कोर है जो हमारे पास महाराष्ट्र के अमरावती से आई है। एक्चुअल में दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आ रहा है पंप फॉल्ट का। तो मशीन एक्चुअल में जब हम स्टार्ट करते हैं तो 5 से 10 15 20 मिनट तक ओके चलती है और उसके बाद मशीन में पंप फॉल्ट आ जाता है। पंप फॉल्ट मीन्स पंप के आरपीएम 1800-1900-2000 तक पंप आरपीएम चले जाते हैं। हमने एक स्टैंड बाई पंप भी लगा के चेक करवाया था, हमने यहाँ महाराष्ट्र अमरावती में ये एक पंप भी भेजा था, लेकिन जब कंफर्म हो गया कि पंप ओके है तो हमने कोर यहाँ पे मंगवाया है। हमारे पास ऑलरेडी ये एक 630 मशीन आई हुई थी। अब हम इस कोर को खोलेंगे और कोर खोलने के बाद इसके फिल्टर वगैरह चेंज करने के बाद इसको टेस्ट करेंगे और 2 दिन टेस्ट करने के बाद हम इस कोर को वापस महाराष्ट्र अमरावती भेजेंगे। उसके बाद हम वहाँ पे इसकी रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद आपको अपडेट करेंगे। तो आप देखेंगे ये कोर हमने खोल दिया है, अभी फिल्टर वगैरह खोलने बाकी हैं। फिलहाल तो हमने अभी ये आप देखेंगे डब्बा, ये आउटर बॉक्स है, ये यहाँ से खराब हो चुका है। यहाँ पे ये पूरा डब्बा फूल गया इस जगह पे चारों तरफ से, तो ये आउटर बॉक्स भी इसका खराब हो चुका है। और फिल्टर की भी मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, फिल्टर भी ये देखेंगे आप, ये उपड़ गई हैं, पपड़ियाँ हैं ये सब, और इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों अब हम इस कोर के फिल्टर खोल देते हैं। वैसे दोस्तों हमारे पास एक ये कोर भी है जो कि आई हुई है, इसको भी हमें रिपेयर करना है, लेकिन फिलहाल ये जो दूर से जो कोर आई है पहले हम इसको आज ओके करेंगे। आज ओके करने के बाद हम इसको 2 दिन ट्रायल पे रखेंगे हमारे पास यही मशीन में, उसके बाद हम इसको वहाँ भेजेंगे और वहाँ से क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों हमारी कोर कंप्लीट साफ़ हो चुकी है, हमने सारे फिल्टर वगैरह खोल के आप देखेंगे कोर एकदम साफ़ हो गया मॉड्यूल। और दोस्तों दूसरा क्या है कि इसका ये कोर कनेक्टर है जो कि संट मॉड्यूल किट बोलते हैं इसको, ये फटा हुआ है, तो हम अभी इसको भी चेंज करेंगे। सारे पेच वगैरह सब साफ हो गए हैं, इसमें ये ए टाइप का मॉड्यूल लगा हुआ है, वाल वगैरह सब साफ हो गए हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारे पास हर रोज कम से कम एक कोर तो आती है रिपेयरिंग के लिए,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो दो तीन तीन कोर भी हो जाती हैं रिपेयरिंग के लिए। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ भी अगर आपको कोर से रिलेटेड अगर कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इस कोर को फिटिंग करेंगे पूरा साफ होने के बाद और फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम इसमें फिल्टरों की फिटिंग करेंगे, फिटिंग होने के बाद एक बार आपको फिर दिखाएंगे, उसके बाद हम इसमें इंक लोड करेंगे, उसके बाद हम मशीन को स्टार्ट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे कोर को। तो दोस्तों रिपेयर होने के बाद हमने आपको दिखाया पंप आरपीएम में भी ओके आ रहे हैं। आज हमने मॉर्निंग में इसको रिपेयर किया था, करीब करीब 3-4 घंटे इसको रिपेयर करने में लगे हैं और करीब अभी 3 घंटे करीब 4 घंटे हमें इसको चलाए हुए हो गए हैं। स्कोर को एकदम फर्स्ट क्लास आरपीएम आ रहे हैं, इंक भी प्रॉपर मशीन ले रही है, मेकअप भी प्रॉपर सेक्शन हो रहा है और प्रिंट भी आपने देखा एकदम फर्स्ट क्लास प्रिंट आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको भी अगर कोर से रिलेटेड अगर कोई भी इशू आ रहा है या पंप से रिलेटेड या फिर नोजल से रिलेटेड, वॉल से रिलेटेड, सक्शन पंप से रिलेटेड, ऑल ओवर इंडिया में चाहे आप कहीं भी हो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। इसके लिए दोस्तों आप हमसे व्हाट्सअप करें, हमारे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें, हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।